गाइज, आजकल हर मोबाइल फोन में अच्छे कैमरा फीचर्स और बढ़िया वीडियो क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइज, आपको एक फैक्ट बताऊं, बहुत सारे लोग महंगे से महंगा स्मार्टफोन लेके भी बढ़िया क्वालिटी की वीडियो आउटपुट नहीं निकाल पाते, क्योंकि गाइज वो कोई ना कोई एक ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अच्छी वीडियो नहीं बन पाती। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी वीडियोग्राफी टिप्स बताने वाला हूं, जो गाइज आप अगर मोबाइल वीडियोग्राफी करते वक्त फॉलो करेंगे, उस चीज को अप्लाई करेंगे, तो आप बहुत बढ़िया वीडियोस कैप्चर कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से, जो है करेक्ट वीडियो रेजोल्यूशन सेटिंग्स। तो जब भी गाइज आप अपने स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें, सबसे पहले आपने 4K मोड में जो है रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है। ऐसा इसलिए करना है गाइज, 4K मोड में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम उसको बाद में रिकम्पोज कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर हम जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ये चीज फुल HD में हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेफ्ट साइड में जो वीडियो प्ले हो रही है वो शूट हुई है फुल HD मोड में, और राइट साइड में जो वीडियो चल रही है वो हुई है 4K मोड में। अगर मैं इन दोनों वीडियोज़ में जूम इन या फिर जूम आउट करता हूँ, तो गाइज एज यू कैन सी क्वालिटी में हमें फ़र्क देखने को मिल जाता है। जो फुल HD वीडियो है उसमें क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है जैसे हम जूम इन करते हैं, लेकिन 4K में क्वालिटी मेंटेन रहती है। इसी तरह से गाइज, अगर आप जूम इन या फिर जूम आउट नहीं करना चाहते, तो गाइज आप जो है उसको रिकम्पोज यानी कि क्रॉप भी कर सकते हैं। तो 4K मोड में शूट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप एडिटिंग में बाद में उसमें थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन केस मान लीजिए आप कोई भी ऐसा शॉट ले रहे हैं जहां पे आपको स्लो मोशन करना है और आपके फोन में 4K 60fps का ऑप्शन नहीं है, उस सिचुएशन में आपने फिर फुल HD में 60fps पर रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज आप 4K में ही शूट करें। क्योंकि गाइज अगर आपको स्लो मोशन करना है, आपको फ्रेम रेट ज्यादा चाहिए होंगे, तो 60fps मिनिमम तो आपको चाहिए। तो 4K अवेलेबल हो तो 4K, अदरवाइज फुल HD। बाकी गाइज आप 4K मोड में तो शूट कर ही सकते हैं नॉर्मल वीडियोस को। बाय द वे गाइज, अगर आप अपनी वीडियोस में रॉयल्टी फ्री म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं, तो आप एपिडेमिक साउंड से बहुत सारे म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को यूज और डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज आपको पता है एपिडेमिक साउंड का जो सर्च इंजन है इतना फास्ट है कि आप सिमेंटिक सर्च की मदद से बहुत सारे म्यूजिक को बहुत फास्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एपिडेमिक साउंड की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां जाके आप सर्च इंजन में ये लिखते हैं कि म्यूजिक फॉर योगा वीडियोस, तो आपको जो भी म्यूजिक दिखाई देगा वो सारा योगा से रिलेटेड होगा, जो योगा की थीम है उसके साथ मैच करेगा। तो आप ऐसे बहुत तरह की म्यूजिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं और शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। मैं आपको कुछ म्यूजिक सुना के दिखाता हूँ। और अगर आप गाइस टॉपिक वाइज भी सर्च करना चाहते हैं, तो आप हैशटैग की मदद से अलग अलग हैशटैग पर म्यूजिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैशटैग योगा, तो योगा से रिलेटेड सारे म्यूजिक आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज आप सर्च इंजन में जाके भी हैशटैग से कोई भी म्यूजिक की कैटेगरी लिख के एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैशटैग व्लॉग, तो अगर आप व्लॉग लिखेंगे तो व्लॉग से रिलेटेड आपको सारे म्यूजिक दिखाई देंगे। अगर आप गाइज अपनी चॉइस के बहुत सारे म्यूजिक को एक्सप्लोर और डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एपिडेमिक साउंड से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उस लिंक की मदद से आप 30 डेज का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैंने वहां पे एक कूपन कोड दिया है, अगर आप उस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो वैलिड है सिर्फ 2 मंथ्स के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, जो है लाइटिंग। तो गाइस कभी भी आप अपने स्मार्टफोन के साथ आउटडोर लोकेशन पर सनलाइट में शूट करें, तो एक बात का ध्यान रखना कि सनलाइट आपके फेस पर फ्रंट से या फिर साइड एंगल से फॉल करे। कभी भी ऐसे सिचुएशन में शूट ना करें जहां से बैक से सनलाइट आ रही हो। ये चीज गाइज मैं आपको प्रैक्टिकली आउटडोर जाके टेस्ट करके दिखाता हूं, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि आपने कैसे ध्यान रखना है लाइटिंग का। नाउ एज यू कैन सी, मैं शूट कर रहा हूं आउटडोर लोकेशन पर, और लाइटिंग कंडीशन की बात करूं तो सनलाइट अभी मेरे बैक से आ रही है, कोई भी सन की लाइट का इम्पैक्ट मेरे फेस पर नहीं आ रहा है ज्यादा। लेकिन गाइज अगर मैं इस तरह से रोटेट होता हूँ और साइड से सनलाइट को आने देता हूँ, तो आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि फेस पर डिटेल या फिर फेस जो है ओवरऑल कितना बढ़िया हाईलाइट होता है अगर हम सनलाइट को अपने फेस पर साइड एंगल से आने देते हैं। और सिमिलरली गाइज अगर मैं
फ्रंट एंगल से सनलाइट को अपने फेस पर आने देता हूं, तो आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि इस तरह से सनलाइट की इंटेंसिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप मोबाइल से वीडियोग्राफी करते हैं। तो बैक लाइटिंग से गाइस होता क्या है कि मेरे फेस जो है डार्क हो जाता है, या फिर हमारा सब्जेक्ट का फेस डार्क हो जाता है, अंडर एक्सपोज हो जाता है, और जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो आपने गाइस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो सनलाइट है वो आपके फेस पर प्रॉपर आए और जो ओवरऑल लाइटिंग है वो बैलेंस रहे आपकी वीडियो में। ऑलराइट, तो लाइटिंग और वीडियो क्वालिटी तो हमने बढ़िया कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट ऑडियो? ऑडियो भी तो इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं भी तो ये माइक्रोफोन यूज करूँ ताकि आपको क्रिस्प और क्लियर साउंड सुनाई दे। सिमिलरली आप जब अपने स्मार्टफोन के साथ कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करें, आपको यूज करना है एक्सटर्नल माइक्रोफोन, इनबिल्ट माइक्रोफोन कोशिश करें कि आप ना ही यूज करें, क्योंकि गाइस इसके साथ जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो जब तक आप अपने फोन के पास रह के वीडियो बना रहे हैं आपकी आवाज क्लियर आएगी, जैसे आप अपने फोन से दूर हो जाएंगे तो वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बहुत ही डिक्रीज होती रहेगी। अब ये चीज गाइस मैं आपको बता के अगर समझाऊंगा तो ज्यादा जो है इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता हूं। तो गाइस अभी मैंने अपने फोन के साथ कोई भी माइक्रोफोन अटैच नहीं कर रखा है, यही वजह है कि आपको मेरी आवाज के साथ साथ और भी नॉइजेस आ रही होगी। तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम कोई भी माइक्रोफोन अगर यूज करते हैं अलग से तो हमारी वॉइस जो है ज्यादा क्लियर कैप्चर होती है। अब मैं गाइस आपको माइक्रोफोन अटैच करके दिखाता हूं जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि क्या फर्क आता है अगर हम एक माइक्रोफोन को अटैच करते हैं अपने फोन के साथ में। नाउ एज यू कैन सी गाइस मैंने जो है वायरलेस माइक्रोफोन अटैच कर लिया है अपने स्मार्टफोन के साथ में, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस कि अगर मैं अपने फोन से दूर रहकर भी बात करता तो भी ऑडियो क्रिस्प और क्लियर आती है। इसके अलावा जो आसपास की नॉइज है वो भी कम हो जाती है और जो ओवरऑल क्वालिटी है ऑडियो की मेरी वीडियो में वो ओवरऑल बेहतरीन हो जाती है। अब गाइज आप कौन से ब्रांड का माइक्रोफोन यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन गाइज कोई भी माइक्रोफोन अगर आप यूज करेंगे वो आपके फोन की इनबिल्ट माइक्रोफोन से ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा जब आप वायरलेसली इस तरह से अपने फोन से दूर रहकर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ओके। अब जो गाइज मैं आपको नेक्स्ट टिप बताने वाला हूँ, इससे गाइज आपकी वीडियोग्राफी कन्वर्ट हो जाएगी सिनेमेटोग्राफी या फिर क्रिएटिव वीडियोग्राफी में। तो गाइज अगर आप अपने स्मार्टफोन से बढ़िया क्रिएटिव शॉट्स लेना चाहते हैं, सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल की, तो गाइज आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन गिम्बल में, क्योंकि गाइज स्मार्टफोन गिम्बल से काफी सारी चीजें हमें ऐसी मिल जाती है जिससे हम बहुत क्रिएटिव चीजें कर पाते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि आईफोन यूजर होने के बाद भी या फिर आजकल हर फोन में भी स्टेबलाइजर हमें देखने को मिलता है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी आईफोन में भी आती है, बाकी फोन्स में भी आती है, तो गिम्बल का क्या यूज करना है, हमें गिम्बल क्यों खरीदना है? तो देखो गाइस विद द हेल्प ऑफ गिम्बल हम अपने फोन से स्टेबलाइजेशन तो और भी एनहेंस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आपके फोन में भी स्टेबलाइजेशन है और आपके गिम्बल में भी है तो उसका तो फायदा है, लेकिन गाइस उससे भी ज्यादा फायदा है कि आप जो क्रिएटिव मोड्स के साथ काम कर सकते हैं गिम्बल में वो आप हैंड हेल्ड नहीं कर सकते। लेट्स से गाइस जो पॉइंट ऑफ व्यू मोड होता है गिम्बल में उसकी मदद से हम इतने सारे क्रिएटिव शॉट ले पाते हैं जो हम हैंड हेल्ड नहीं ले सकते। सिमिलरली गाइस आजकल गिम्बल में सेल्फी स्टिक्स भी आते हैं जिसकी मदद से हम लो एंगल शॉट ले पाते हैं, तो बहुत तरह के शॉट्स ऐसे होते हैं जो गाइस हम गिम्बल से बहुत क्रिएटिवली ले पाते हैं। और दूसरी बात ये गाइस जो प्रिसाइजली आप शूट ले पाएंगे गिम्बल के साथ में बेटर ग्रिप बना के अपने हाथ में या फिर आप बेटर जो है कैमरा कंट्रोल कर पाएंगे वो गाइस आप हैंड हेल्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपने आज तक गिम्बल नहीं यूज किया एक बार आप करके देखिए, आपको खुद फर्क नजर आएगा कि गिम्बल की मदद से ग्रिप भी अच्छी होती है, क्रिएटिव शॉट्स भी ले पाते हैं, स्टेबलाइजेशन भी एनहेंस होती है, और सबसे मेन बात गाइस आप और भी क्रिएटिव सोच पाते हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं अपने मोबाइल वीडियोग्राफी में। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने गाइस बहुत ही महंगा गिम्बल परचेज करना है, आप चाहे तो 5 से 6 हज़ार वाला गिम्बल भी ले सकते हैं और उससे बढ़िया क्वालिटी निकाल सकते हैं। बाय द वे गाइस मैं कुछ गिम्बल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे लिंक होंगे, जो भी गाइस आपके बजट में आए उसके अकॉर्डिंग आप गिम्बल परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो डेडिकेटेड है व्लॉगर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हुए टॉकिंग वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस देखो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग करते हुए अगर आप फोन के फ्रंट कैमरा को यूज करते हैं इस तरह से, तो गाइस वो आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना गाइस? क्योंकि आपके जो फोन में बैक कैमरा है उसकी क्वालिटी एक तो बढ़िया होती है और उसके अंदर गाइस स्टेबलाइजेशन भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप
अपने फ़ोन से बढ़िया क्वालिटी की वीडियो निकाल सकते हैं। ये चीज़ गाइज आप जो है प्रैक्टिकली देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मैंने फ्रंट कैमरा से शूट करी है, राइट साइड में जो वीडियो है वो मैंने बैक कैमरा से शूट करी है, और आप देख सकते हैं क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा गाइज अगर आप स्टेबलाइजेशन भी देखें उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब मैं जानता हूँ गाइज आप में से अगर फ्रंट कैमरा से बहुत सारे लोग शूट करें तो उनको एक फैसिलिटी मिलती है कि वो जो है स्क्रीन पर सब देख पाते हैं कि कैसा शूट हो रहा है, लेकिन गाइज अगर आप लॉन्ग टर्म में बैक कैमरा से शूट करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। दूसरी बात ये गाइज आप जब भी बैक कैमरा से शूट करें तो कोशिश करें वाइड एंगल में शूट करने की, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जो है फ्रेम में ऑब्वियसली आ रहे हैं क्योंकि आपने वाइड एंगल चूज किया है। आजकल हर फोन में वाइड एंगल मिलता है बैक कैमरा से। तो ये 5 टिप्स गाइज ऐसी टिप्स है जो मेरे को काफी ज्यादा इफेक्टिव लगती है वीडियोग्राफी को एनहेंस करने के मामले में। इसके अलावा अगर आपको और कोई टिप पता तो आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाय द वे गाइस प्रोडक्ट्स की लिंक जो मैंने आपको सजेस्ट करे और एपिडेमिक साउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक कर ले। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।